आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी श्रद्धा सकपाळ, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चा तर होणारच. अंबरनाथच्या आनंदनगर MIDC कंपनीत 23 वर्षीय कामगाराचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. अंबरनाथच्या आनंदनगर MIDC क्रिश कंपनीत विजेचा धक्का लागून एका कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. तर सोनू अग्रहरी, वय वर्ष 23 असं या कामगाराचं नाव असून हा नेहमीप्रमाणे घरातून सकाळी कामाला जायला निघाला. क्रिश फूड कंपनीत काम करत असताना त्याला विजेचा धक्का लागला आणि तो जागीच बेशुद्ध पडला. त्याला कामगारांनी रुग्णालयात दाखल केले, दरम्यान मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. सवेरे हम लोग जैसे कंपनी में आए तो हमको ये मालूम पड़ा कि भाई ये सोनू नाम का जो लड़का हमारे पास है उसको करंट लगा तो ये लोग को वही में बोला. मैंने बोला अगर कार नहीं है, ऑटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, भले बाइक पे बैठाओ, उसके पीछे भले ट्रिपल सीट एक जन आओ बीच में बैठाओ, उसको पहले लेके जाओ हॉस्पिटल में, उसके बाद में दूसरी बात करो, पहले ये करो. तो उसको वहाँ से लेके गए अश्वनी हॉस्पिटल. उधर वो लोग ने बोला इधर नहीं, ये एक सेंट्रल में जाएगा, तो सेंट्रल हॉस्पिटल में उसको लेके गए. सेंट्रल हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे वो लोग ने देखा, चेक किया, बोले ने ये अभी ये मृत घोषित किया. वो लोग ने बोला अभी ये नहीं बचा. फिर हमने रिपीट किया, प्लीज़ आप एक बार रिक्वेस्ट किया कि आप चेक करो, हमको लगता है कि इनकी नस चल रही है, बोला था आपके सामने, तो उनकी नस चल रही है. फिर मैडम आई, फिर उसने चेक किया, वो लोगों ने बोला नहीं ऐसा हो चुका है, हमको मालूम कि आपको मालूम, पर नहीं हो तो आपको ही मालूम है. उसके बाद में उधर जो हमारे जो पुलिस जो वहाँ पे कंप्लेन हुआ, उसके बाद में कंप्लेन लिखवाया जो जो हुआ कि भाई क्या हुआ. हमने बताया भाई ऐसी सी बात है, सवेरे काम पे आया था, उसको टेबल पे जब भी बैठा था सीलिंग पट्टी में या किस में उधर वहाँ पे उसको करंट लगा तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम हो गया, तभी हम लोग इधर लेके आए. बाद में हमको इधर लेके आए यहाँ पे ये पुलिस चौकी में, इधर जो है ना शिवाजी नगर, कुछ दांजे साहब या कोई हैं उनके, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बुलाया आप यहाँ पे आओ. फिर वहाँ पे जो जो डिटेल था लिया, कंपनी का एड्रेस लिया, सब वो लिखवा के लिया जो जो ये प्रॉब्लम हुआ था. अभी मीन्स सेफ जोन क्या क्या कि कौन सी चीज़ आप ही नहीं देते, शूज कुछ भी, कोई चीज़ नहीं देते, कुछ भी नहीं. और कंपनी में हमारे चीज़ इधर कुछ भी नहीं है. और ये है, ये सिस्टम है कि अगर थोड़ा भी शॉर्ट सर्किट होता ना ऑटोमेटिक बंद होता है, वो होता है थोड़े भी, ये सब हमारे वर्कर लोग को मालूम है होता है, लेकिन सारा इनको कैसे करंट आया वो तो अपने को आइडिया ही नहीं. ऐसे सब गर्दी लगा था तो मैं भाग के गया उसको खींचने के लिए, तो मेरे को भी शॉर्ट लग गया, तो बाद में उसको हॉस्पिटल लेके गया. थैली लाने गया, वो थैली लाने गया, आके बैठा टेबल पे, उसको चप्पल निकाला, उसको शॉर्ट लग गया, तो भाग के मैं गया उसको निकालने के लिए. हाँ निकालने के लिए तो मेरे को भी करंट लग गया. हाँ ले लेने एक सेट सुपर. हाँ मैनेजर मैनेजर सुशील मैनेजर और फनी आए थे. तो सकाळी आला ना तो आमचे अधोगर आला नाही, तो उशिरा येत होतो, आला आणि थैल्याचा बंडल आणला आणि माल चालू झाला म्हणून टेबलवर बसला आणि टेबलवर असं चप्पल काढली आणि ते पाय दिले आणि लगेच खाली पडलं जाणं. सोनूच्या मृत्यूमुळे आग्रहरी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. त्यांच्या कुटुंबात 3 लहान भाऊ, 1 बहीण आणि आई आहे. तर घरचा कमावता मुलगा कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे गेला असल्याचा आरोप आता सोनूच्या नातेवाईकांनी केलाय. तर त्या कंपनीवर कारवाई झालीच पाहिजे असे त्याच्या कुटुंबियांचे म्हणणे आहे. सुबह वो काम पे गया, डेली आता आज भी गया, सुबह आने के काम पे गया, फिर मुझे फ़ोन आया कि तेरा भाई को शॉक लगा है, सेंटर हॉस्पिटल में आया, तो मैं उधर गया. घर जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसके पैर पे शॉक लगा, और पैर पे शॉक लगने के बाद उसका पूरा पैर काला गिर गया. फिर पैर काला गिरने के उससे उसका टी शर्ट फट गया और इधर से बाहर निकला, पीठ से बाहर निकला, मतलब उसका शॉक ज़्यादा पावरफुल था, ये हो गया. तो मैं ये कैसे लगा, वो पैर पे लगा और पैर पूरा काला गिर गया, और टी शर्ट और उसका चमड़ा, टी शर्ट और चमड़ा दोनों फट के बाहर निकल गया. तो सीसीटीवी है क्या? हाँ है. तो पुलिस लोग को मुझे एक बार सीसीटीवी कैमरा है, उसमें एक बार पुलिस वाले लोग को देखना मांगता है. उसमें मेरे उसके फ्रेंड बोल रहे थे कि उसमें जरा भाई का दिखाएगा, मतलब तो दिखाया नहीं हमें, तो पुलिस लोग को एक बार देखना मांगता है और उस पर सख्त कार्रवाई करना मांगता है. ये विनती मांग के वो कंपनी पे गुनाह दाखिल होना चाहिए, मतलब ऐसा अभी मेरे भाई के साथ हो किसी और के साथ हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो कंपनी पे सख्त कार्रवाई करना मांगता है पुलिस लोग को. आज भी मेरा भाई काम पे गया था, रोज जाता है, मतलब
एक घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि मेरा तेरा भाई जरा सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट है। बोला क्या हुआ उसको? बोलते कि शॉक लग गया। फिर मैं गया देखने, तो मैं देख के उसको डायरेक्ट डर गया, मतलब चक्कर ऐसा आने लग गया। शॉक पैर पे लगा था, मेरे दोस्त उसके दोस्त ने बताया मुझे कि उसका शॉक पैर पे लगा था और इधर थोड़ा छिल गया था। मेरी मांग वही चाहिए कि कंपनी पे कार्रवाई उठानी चाहिए पुलिस को। काम पे गया मेरा भाई, तो आज वो गया तो फिर वो आपस ही नहीं लौटा, वो डायरेक्ट उधर गया, बिस्कुटों पन्नी पलटी मार रहा था, तो उस पैर पे देखा नहीं उसने, वायर पे पैर गया, तो फिर वायर पे पैर गया, उसको झटका लगा तो फिर मोटर पे हाथ गया, पूरा चिपक गया उधर। फिर एक दोस्त गया उसका, वो छुड़ाने गया तो उसको भी फेंक दिया। और क्या ठिकाने सीसीटीवी होते का? सीसीटीवी होते, कैमरे वैमरे सगळे होते, चार पाच ठिकाणे होते तिथे। मित्र पण बोलले मला, आणि पहिले पण झाले, आणि माझ्या भावासाठी ते झालं आहे, ते काहीतरी त्याचा घ्यायला पाहिजे। मेरी मांग यही है, आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल किसी के साथ नहीं होना मांगता है, इसके लिए कुछ करो, होना चाहिए ना, नहीं हुआ तो फिर कल और किसी लड़के के साथ होएगा, और कितनी जान जाएगी उसमें। या प्रकरणाबाबत आम्ही मालकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते काही बोलायला तयार नव्हते। या घटनेची शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे, त्यामुळे शिवाजीनगर पोलीस आता पुढील तपास करत आहेत। अमित जाधव सह शुभम साळुंखे, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।